गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। 1700 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या अब तक 54 की हुई मौत। निजामुद्दीन मरकज के बाद तेजी से बढ़ा मरीजों का आंकड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि समय पर इलाज से 132 मरीज हुए ठीक। निजामुद्दीन मरकज ने मामले बढ़ाने का किया काम। निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने वालों की तलाश जारी। लॉकडाउन में भीड़ जुटाने के मामले में 7 पर केस दर्ज। अमेरिकी साइंटिस्ट ने कोरोना की दवा बना लेने का किया दावा। कहा सार्स वायरस से ही खोजा कोरोना का इलाज। कोरोना संकट के चलते आज भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे पीएम मोदी। मौजूदा हालातों पर करेंगे चर्चा। कोरोना संकट पर आज सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्यसमिति की बुलाई बैठक। कोरोना को लेकर पास हो सकता है प्रस्ताव। रामनवमी आज। कोरोना के चलते अयोध्या में नहीं होगा किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम। रामलला के दर्शन के लिए भी इजाजत नहीं। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली से हावड़ा के बीच कल से चलेंगी 2 स्पेशल पार्सल ट्रेनें। जरूरी सामान की आपूर्ति करने के लिए रेलवे ने लिया ये फैसला। किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। आज से सरसों चना और मसूर की खरीद। बेमौसम बारिश से खराब हुई फसल की जल्द मिलेगी बीमा की राशि। कश्मीर के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने नए डोमिसाइल नियम का किया ऐलान। अब 15 साल तक रहने वाले को ही मिलेगी नागरिकता। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।